सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज के हम सभी के साथ हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप मेरे डियर फ्रेंड आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड में 2020-24 के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के साथ देने में जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड अभी बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन निकल के आया है माय डियर फ्रेंड आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, वो जो है आप सभी के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर जो हमें बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है, और वो चेंजेस क्या है फ्रेंड जल्दी से देखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट फॉर सीटी में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा जैसे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, और आज की इस वीडियो डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 यानी कि नए बैचलर्स जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन देंगे, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, सबसे बड़ा जो चेंजेस आप सभी को देखने को मिलेगा 2020-24 में, वो सबसे पहले अगर हम आपको बात करें, देखिए आप सभी को मैं बता दूं, देखिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में होंगे अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा 2020-23 का एग्जामिनेशन जस्ट कुछ देर पहले दिनों पहले आप सभी का 10th का और 12th का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है 2020-23 की बात करें तो। अब इससे जो इसमें जो पैटर्न था इसमें चेंज कर सीबीएसई ने 20 अप्रॉक्सीमेटली सभी सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रखे थे, जिसको उन्होंने सेक्शन ए के फॉर्म में रखा था। सेक्शन ए के पार्ट में मैक्स सारे क्वेश्चन 16 किसी सब्जेक्ट्स में 18 किसी सब्जेक्ट्स में 20, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल रहे थे सेक्शन ए में। हालांकि जो 2020-24 होने जा रहा है इसमें सीबीएसई ने और बड़ा बदलाव करते हुए इस बार सीबीएसई जो है आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात करें या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स की बात करें, इस बार जो सीबीएसई ने आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या जो पहले 20 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर आप सभी के लिए अब मैं आपको बता दूं, देखिए चार अब से अधिक जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चलिए फिर इस आर्टिकल को पढ़ते हैं उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर लिखा है सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं में योग्य आधारित आप योग्यता आधारित अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उसके तथा वहीं लघु व दीर्घ प्रश्नों के पूर्णांक कम होंगे। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव किए हैं और नई व्यवस्था अगले साल से यानी कि 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के परीक्षाओं में लागू होगी। ध्यान से समझ लिए हमारे फ्रेंड आप सभी को इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ दे रहा हूँ। देखिए 10वीं में योग्यता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का वेटेज 50% व 12वीं में 40% होगा, यानी कि क्लास 10th वाले स्टूडेंट जो इस बार 2020-24 में जो अब एग्जामिनेशन देंगे कैंडिडेट्स, उन सभी को जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो जो क्लास 10th की बात करें वो आप सभी को 50% क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। वहीं हम बात करते हैं आप सभी के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो जो है आप सभी का, देखिए 12th में 40% प्रश्न जो होंगे वो आप सभी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, और दूसरी ओर लघु और दीर्घ प्रश्नों का जो वेटेज होगा उसको 30% और वास्तविकता के आधार पर 20% होगा, यानी कि जो थ्योरेटिकल जो पोर्शंस होंगे आप सभी के उसका जो वेटेज है उसको कम किया जा रहा है, और साथ साथ जो थिंकिंग स्किल्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको मीन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप सभी को उसका प्रतिशत 20% रखा जाएगा। और बारहवीं में बात करें तो वास्तविक जो प्रश्न होंगे 20% के और वेटेज के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लघु और दीर्घ प्रश्नों का वेटेज 40% ही होगा। तो आप सभी देख रहे हो ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है, इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड जो थिंकिंग स्किल्स है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। इसको देखते हुए सीबीएसई ने ये बहुत ही बड़ा चेंज किया है इस बार के एग्जामिनेशन जो 2020-24 का होने जाएगा आप सभी के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात करें या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट अभी आप सभी नए हों और आप सभी स्टार्ट करिए, जब क्लास आप स्टडीज़ को स्टार्ट कर रहे हो आप सभी 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट जो 2020-24 में बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर होंगे उन सभी कैंडिडेट्स को अब जो है आप सभी को
थिंकिंग स्किल्स के साथ साथ आप सभी को अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम अभी अपडेट फॉर सिटी आप सभी के लिए मोस्ट स्पेशल क्लासेस आप सभी के लिए ले आने जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इसी महत्वपूर्ण वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दिएगा, जिससे ये बदलाव आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग स्किल्स है और साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले अंडरस्टूड करेंगे चैप्टर वाइज, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो आई होप ये अपडेट आप सबको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन ओपन है माय फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फ्रेंड। ये सीबीएसई का पैटर्न बहुत ही अच्छा है, आप सभी क्या कहते हो, आपके अपना व्यूज़ उस पर दिएगा माय फ्रेंड। साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दी, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करेंगे। साथ साथ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारी टीम बहुत ही स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेगी आप सभी के एग्जामिनेशन 2020-24 में, जब आप कैंडिडेट अपियर होंगे। उससे पहले आप सभी के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी है, उसको ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे हम लोग अपडेट करते रहेंगे आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो जी हाँ, जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिए। साथ साथ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो अपडेट्स थी, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अब स्टडी करनी है। साथ साथ सीबीएसई ने सैम्पल पेपर को भी रिलीज़ कर दिया है, जिस सैम्पल पेपर के बेसिस पे आप सभी का जो नया जो नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-24 होने जा रहा है, वो जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसमें किस तरीके से आप सभी को अगर स्टडी करना चाहते हो कैंडिडेट्स, तो अभी से आप फोकस करिए। और पैटर्न जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया सीबीएसई के द्वारा 2020-24 एस्पिरेंट्स के लिए, आप उसी के बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली आपका भी एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। और साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर करने में फिर से मैं आर्टिकल दिखाता रहा हूँ। साथ साथ इस आर्टिकल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीवीटी है, उसमें मैं पोस्ट करता रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी इस आर्टिकल्स को अच्छे से आप पढ़ सकते हो। साथ साथ आप सभी कैंडिडेट्स अब स्टडी करिए, और साथ साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर करिए। साथ साथ आप सभी अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जैसे उस सभी को भी एक नॉलेज हो जाए कि नया पैटर्न जो सीबीएसई ने लाया है 2020-24 के रिगार्डिंग वो क्या है, और इस इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सबके पास इसको शेयर करिए। साथ साथ चैनल पे जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करेंगे। आप सभी के लिए फिर मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट, हम जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीवीटी है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लिए। साथ साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट में, जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।